हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी वोकैब ऑफ द डे सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज 18 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ न्यू वर्ड्स की, और सबसे पहले हम इनके सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड एक एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे ताकि आपके माइंड में ये सेंटेंस जो है, जो भी वर्ड है, वो प्रॉपरली बैठ जाए। तो यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए इस वोकैब की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा वर्ड है वो है ट्रायल ब्लेजिंग। ट्रायल ब्लेजिंग जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, एज अ वर्ब यूज होगा, जिसका मीनिंग होता है पायोनियर। पायोनियर जिसको हम बोल सकते हैं पथ प्रदर्शक। जैसे कोई अगर आपको मार्ग बता रहा है तो उसको आप बोल सकते हो कि वो ट्रायल ब्लेजिंग कर रहा है, ठीक है, पथ प्रदर्शक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे? सिनोनिम रहेंगे इनोवेटिव या रिवोल्यूशनरी, और एंटोनिम रहेंगे कंजर्वेटिव या फिर बैनल। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके पास, डेविस सीज हरसेल्फ एज अ ट्रायल ब्लेजिंग मैडम, कि जो डेविस है वो अपने आप को किस तरह से देखती है, वो अपने आप को एक पथ प्रदर्शक मैडम की तरह देखती है, पथ प्रदर्शक देखती है वो। पथ प्रदर्शक का मीनिंग क्या हो गया? दूसरों को राह दिखाना। जैसे नॉर्मली जो ट्रायल ब्लेजिंग है वो हम यूज करते हैं, मान लो कोई किसी पहाड़ पर जा रहा है तो पहाड़ पर जाने के लिए जो रास्ता बताने वाला है वो कहलाता है ट्रायल ब्लेजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपके माइंड में जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे, जैसे जैसे सेंटेंसेस आते जाएंगे, कोई भी जैसे आपको वर्ड क्लियर हो रहा है तो उसके मीनिंग को क्लियर करते जो भी माइंड में आपके सेंटेंस आ रहा है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर आप 10 के 10 वर्ड्स को मिलाकर एक स्टोरी बना देते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप SSB के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो सेकेंड जो हमारा वर्ड है वो है डायर्नल। डायर्नल जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है ऑकरिंग एवरी डे, यानी कि प्रतिदिन होना, ठीक है। ऑकरिंग एवरी डे का मीनिंग हो गया प्रतिदिन, डेली कोई काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायर्नल। अब इसके सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है कॉन्स्टेंटली एंड डे टू डे, और एंटोनिम इसके रहेंगे अनयूजुअल या इररेगुलर। अनयूजुअल या फिर इररेगुलर। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस क्या है? सम इंसेक्ट्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू चेंजेस इन डायर्नल वेरिएशंस, कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव रहते हैं डे टू डे, प्रतिदिन जो वेरिएशंस होती हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं या फिर सेंसिटिव होते हैं, जैसे 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 डे चेंजेस होते जाते हैं तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो प्रतिदिन मीनिंग है इसका, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वंडरलस्ट। वंडरलस्ट जो है वो एक नाउन है जिसका मीनिंग है जर्नी। तो जर्नी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, जर्नी का मीनिंग होता है यात्रा। तो वंडरलस्ट जो है वो इसका भी मीनिंग है यात्रा। इसके सिनोनिम्स हैं ड्राइविंग या फिर एक्सक्यूर्जन, और एंटोनिम है हाल्ट या इनएक्टिविटी। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही वेंट फॉर एन एक्साइटिंग वंडरलस्ट, कि वो क्या है, वो एक एक्साइटिंग वंडरलस्ट यानी कि एक एक्साइटिंग यात्रा के लिए गया, ठीक है। वेंट है यानी कि गया था वो, तो हम इसको पास्ट में यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कोर। कोर जो है वो एक नाउन है जिसका मीनिंग है अ स्मॉल और ऑड जॉब, ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कोई छोटा सा काम, ठीक है, छोटा काम। अब छोटा काम इन द सेंस जिसको अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूं तो चोर जो है इसका मीनिंग होता है घर का काम, ठीक है, घर के कर जो काम रहता है, घर का काम होता है जो जिसकी डेली लाइफ के जितने भी काम होते हैं उनको हम बोल सकते हैं चोर। तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे? सिनोनिम रहेंगे ड्यूटी या वर्क, और एंटोनिम रहेंगे हैप्पीनेस या पीस। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। इंस्टेड ऑफ अ चोर चूज समथिंग यू लव सो यू एब्सोल्युटली लुक फॉरवर्ड टू इट, कि घर के काम करने से, इन द सेंस घर के काम, इन द सेंस ये जो आप डेली छोटे छोटे काम करते रहते हो उनसे अच्छा है कि आप ऐसा काम चूज करो जिसको आप, जो आपको अच्छा भी लगे, लव सो यू एब्सोल्युटली लुक फॉरवर्ड टू इट, ताकि आप इसमें आगे कुछ फ्यूचर इसमें देख सको। तो इस तरह के काम आप चूज कीजिए, डेली के काम करने से अच्छा है, ठीक है। इसको आप एक अच्छे वे से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है घर का काम ही ये बनेगा, आप इसकी जगह कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रा काम है, आप बिना वजह के काम कर रहे हैं, तो उनकी जगह आप कोई ऐसा काम चूज कीजिए जिसमें आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ हेल्प मिले। तो ये सेंटेंस है जो हमने सेंटेंस लिखा है उसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑस्ट। ऑस्ट जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, एक वर्ब की तरह यूज किया है यहां पर हमने इसको, जिसका मीनिंग होता है एक्सपेल या फिर गेट रिड ऑफ, ठीक है। तो गेट रिड ऑफ यानी कि यहां से आप इसका मीनिंग जो है वो क्लियर कर सकते हैं, यानी कि एक हम ये बोल सकते हैं निकालना किसी को या फिर छुटकारा पाना, ठीक है, इसको हम छुटकारा भी कह सकते हैं, छुटकारा पाना। तो
ये भी इसी का वर्ड हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम क्या रहेंगे? सिनोनिम रहेंगे डिपोज या फिर डिथ्रोन, और एंटोनिम रहेंगे हायर या फिर प्लेस। अब एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके पास, दे ट्राई टू ओस द एमएलए, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमएलए को निकालने की कोशिश की, ठीक है, निकाल यानी कि छुटकारा पाने की कोशिश की। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टीम। आई थिंक ये रिपीटिंग वर्ड है, आपने पहले भी किया होगा, तो अगर आपको याद रहते हैं जो भी आप वोकैब करते हो तो होप सो कि आपको ये याद रहा होगा। इसका मीनिंग होता है बी अबंडेंट, यानी कि बहुतायत में, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, उसको हम बोलते हैं टीम, बहुतायत में। तो इसका मीनिंग आप समझ सकते हो सर्वाधिक मात्रा या फिर अधिक मात्रा में, इसका जो नॉर्मली मीनिंग है वो ये बनेगा। और इसके सिनोनिम रहेंगे बिम या ओवरफ्लो, और इसके एंटोनिम बनेंगे रिट्रीट या लेक, लैक, सॉरी लेक नहीं, लैक बन जाएगा ये। और एग्जाम्पल सेंटेंस है द गार्डन इज टीम विद फ्लावर्स, की जो गार्डन है वो फ्लावर्स के साथ, ठीक है, फूलों के साथ भरा हुआ है, बहुतायत में है, बहुत ज्यादा उसमें फूल फ्लावर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गॉज। गॉज जो है वो एक नाउन है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मेजोर या स्टैंडर्ड, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं माप, ठीक है, माप या नाप, ये दोनों सेम ही मीनिंग होते हैं, तो इनका हम मीनिंग रख सकते हैं माप या फिर नाप। तो इसके सिनोनिम से आपके पास बेंचमार्क या फिर इंडिकेटर, और एंटोनिम है आपके पास एस्टिमेट या फिर एक्सट्रीम। एग्जाम्पल सेंटेंस है इलेक्ट्रिक गॉज इज बेटर फॉर मेजोरिंग वेट, कि जो इलेक्ट्रिक गॉज होती है वो बेटर है मेजोरिंग वेट के लिए, कि अगर आपको वेट को मेजर करना है तो आपके लिए आपको प्रेफर करनी चाहिए इलेक्ट्रिक गॉज, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होती है अगर उसकी सेटिंग जो है आपने अच्छे से की हुई है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है मस्टर। मस्टर जो है वो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है गैदरिंग। अब गैदरिंग जो है यहाँ पे गैदरिंग, वैसे तो गैदरिंग के काफी सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन मस्टर जो गैदरिंग है इसका मीनिंग होता है सभा, सभा या फिर सदन जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए असेंबली या फिर कन्वेंशन, और इसके एंटोनिम रहेंगे स्कैटर या फिर सेपरेट। एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके पास द मस्टर वॉज कॉल्ड फॉर अ गुड कॉज, कि जो सभा है वो किस लिए बुलाई जाती है, या फिर बुलाई गई थी, कि जो मस्टर है वो बुलाई गई थी एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कारण के लिए, गुड कॉज के लिए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ये जो वर्ड है मस्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है स्वैगर। स्वैगर आजकल आप काफी जगह पे सुन रहे होंगे, स्वैग वर्ड आपने काफी सुना होगा, तो स्वैग से ही आपका स्वैगर बनता है, जिस जो एक वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है शो ऑफ करना, ठीक है, शो ऑफ करना। तो एक्चुअल में जो स्वैगर है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है अकड़, ठीक है, अकड़ मीनिंग होता है इसका। तो स्वैगर को हम बोल सकते हैं एक तरह से कि अकड़, और इसके सिनोनिम रहेंगे ब्लस्टर या फिर ग्लोट, और एंटोनिम रहेंगे इसके बी मॉडेस्ट या फिर डेप्रिसिएट, डेप्रिकेट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे दे हैड द स्वैगर एंड द कॉन्फिडेंस दैट अ पावर हाउस प्रोग्राम डिजर्व्ड, कि उनके अंदर जो है ये कॉन्फिडेंस भी है और ये अकड़ भी है, ठीक है। स्वैगर एंड द कॉन्फिडेंस, अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं स्वैगर एंड द कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है हम एक अच्छे कॉज के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्वैगर के साथ हमने कॉन्फिडेंस को जोड़ दिया। तो दे हैड द स्वैगर एंड द कॉन्फिडेंस, कि उनके पास क्या था, उनके पास विश्वास भी था और अकड़ भी थी इस चीज की, कि जो पावर हाउस है उसके ऊपर एक प्रोग्राम जो है वो डिजर्व करता है, पावर हाउस प्रोग्राम जो है वो डिजर्व करता है, उस कोई भी अगर मान लो जगह है उसके लिए आप रख लो, किसी भी तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। तो स्वैगर जो है अच्छे वे में भी हम यूज कर सकते हैं और एक नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमने किस वे से सेंटेंस को लिखा हुआ है। तो यहां पर हमने नेगेटिव वे में नहीं लिखा है, स्वैगर एंड द कॉन्फिडेंस, यानी कि एक विश्वास भी है और अकड़ भी है, दोनों चीजें साथ साथ हैं। एंड जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है नीज। नीज जो है वो एक नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने यूज किया, जिसका मीनिंग होता है प्लेस ऑल वंस ओन, ठीक है, प्लेस ऑल वंस ओन, जिसका मीनिंग, प्लेस ऑल वंस ओन का मीनिंग यहाँ पे आप समझ सकते हो, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं शरण, रहना कहीं पर, शरण यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां से आपने समझ लेना है नीज का जो मीनिंग होता है वो होता है शरण, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई जगह जहां पे रहा जाए। तो इसके सिनोनिम होंगे एल्कोव या स्लॉट, और एंटोनिम रहेंगे क्लोजर या सॉलिड। अब एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके पास द स्टैच्यूज ऑफ गॉड वर प्लेस्ड इन द ब्यूटिफुल नीज, कि जो गॉड के, भगवान के जो स्टैच्यूज हैं वो कहाँ रखे गए हैं, एक बहुत ही अच्छी शरण में रखे गए हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये 10 वर्ड्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वेबसाइट में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए।
नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की स्टूडियो में इतना ही, थैंक यू।